So, what's up guys? कैसे हो आप लोग? तो यार आज हम फिर से आ चुके हैं डेथ पार्क गेम में। बट गाइज आज हम कोई एस्केप नहीं करने वाले हैं, आज हम करेंगे बॉस फाइट। आज हम ये पता करने वाले हैं कि डेथ पार्क 1 के विलन में और डेथ पार्क 2 के विलन में कौन ज्यादा पावरफुल है एंड किसके में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो चलो गाइज वो सब आप लोगों को गेम देख कर ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं सर्कस में एंट्री कर चुका हूँ जहाँ से मुझे एक चैन लेना है, और ये सर्कस काफी ज्यादा बड़ा है एंड ब्राइट भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैंने एक चैन तो ले लिया, लेकिन ये देखो यार, यही तो ट्विस्ट है, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं था। लेकिन गाइस देखते ही देखते यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है, और ये देखो गाइस, यही है डेथ पार्क 1 का विलन। ओह वाओ गाइस, क्या एंट्री थी यार, माननी पड़ेगी। गाइस इतना ज्यादा अंधेरा है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, और वो देखो यार, वो अचानक से कैसे आके अटैक कर रहा है। वेट, अरे भाई ये क्या कलरफुल दुनिया में रहता है क्या? कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी रेड, क्या कर रहा है ये? ये देखो। लेकिन गाइस इतना तो पता चल गया कि इसके पास स्पीड बहुत ज्यादा है। यस, ये चीज आप लोग नोट रखना, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। गाइस यार कितना ही ज्यादा पास से जा रहा है, अगर मैं थोड़ा सा भी उसके रेंज में आ गया ना, वो मेरे को पकड़ लेगा। और ये देखो गाइस, फाइनली डे हो चुका है। अब मुझे कैसे भी करके इन्हीं टाइम में, इन्हीं लिमिटेड टाइम में इसको कैसे भी करके इस केज में बंद करके इसको मार डालना है। तो वेट करो, पहले उसको केज में आने दो। आगे 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 आगे। अब यार फटाफट इस लीवर को खींचते ताकि वो बंदा बंद हो जाए उसके निकलने से पहले पहले। वेट, अटका क्या? कहाँ गया वो? ओह शिट गाइस, वो साइड से आ रहा है यार, मतलब बच गया। गाइस यार रात होने से पहले पहले मुझे उसको कैसे भी करके बंद करना होगा। वेट, ओह शिट गाइस, नहीं कर पाया यार मैं। अब आई उसकी बारी। यार मेरी बारी में मैं कुछ नहीं कर पाया था, बट यार अब उसकी बारी में देखते हैं वो क्या कर पाता है। बट गाइस मुझे कैसे भी करके बच के रहना पड़ेगा, वो कहीं से भी आ जा रहा है ये बात है, एंड उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है कि नहीं? लेकिन यार अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो इसका एक लिमिटेशन भी है, मतलब इसका एक ड्रॉबैक है। हाँ, क्योंकि उजाला होता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, एंड उसी टाइम पे उसको मारा भी जा सकता है। लेकिन गाइस जो रात का टाइम है उसमें उसकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ, जो भी बोलो यार, सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, एंड उस टाइम पे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलो यार फाइनली वो फिर से कीज में आ चुका है, इस बार तो मुझे कैसे भी करके बंद करना है। वेट, निकलना नहीं यार, निकलना नहीं। ओह शिट गाइस, क्या हो रहा है यार? वेट यार, एक और चांस है। अब अगर अंदर आ जाए ना तो बात बन जाएगी, क्योंकि यार एक तो मैंने पहले से ही बंद कर रखा है। अब वेट, इसको बंद कर देता हूँ। क्या अब बात है गाइस, वो उसके अंदर फंस गया। अब देखो यार उसकी तड़प कैसी है, देख रहे हो गाइस, पकड़े जाने के बाद उसकी स्पीड कितनी ज्यादा स्लो हो गई। वेट गाइस, उसका फेस देखते हैं। हो यार ये देखो, वो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये क्या हुआ? ओ नहीं, ये क्या हुआ? गाइस मैंने उसको केज में बंद किया था, बट ऐसा क्यों हुआ यार? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब गाइस उसी डे टाइम में मुझे उसको मारना भी है, मतलब गाइस रात होते ही वो केज से बाहर आ जा रहा है। ओ शिट गाइस, ये क्या हुआ यार? बंदे ने मेरी हेल्थ की वाट लगा के रख दी। बट गाइस बस हुआ, इस बार मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, इस बार मैं कैसे भी करके उसको मार के रहूंगा। वेट वेट वेट, आजा बच्चा आजा, इस बार तू नहीं बचने वाला है, मैं तेरी स्ट्रेटेजी समझ गया। चलो गाइस अब फटाक से यार इस लीवर को, इस पैनल को खींच देते हैं। चलो गाइस मैंने फाइनली दोनों के दोनों। ओह शिट यार, ये क्या हो रहा है भाई? मतलब यार एक बार और फाइट करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। वेट 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 वेट, अंदर आ चुका है वो, अंदर आ चुका है, बंद हो गया क्या? ओह वाओ, इस बार गाइस कोई गलती नहीं, इस बार कोई गलती नहीं, ये मैंने पैनल खींचा और इसके बाद इसका डेथ। हो वाओ, डेथ पार्क में जो क्लाउन है उसको हमने किल कर दिया, मतलब मार दिया। और ये रहा डेथ पार्क 2 का बंदा जिसके साथ मुझे फाइट करनी है। तो गाइस पहला डिफरेंस तो मुझे दिख गया कि इसकी साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और ये मेरी सिस्टर को ट्रेन के पटरी पर बांध रखा है और कहता है कि यहाँ पर जो ट्रेन आ रही है उससे एक्सीडेंट होके तुम्हारी बहन की मौत हो जाएगी।
तो चलो गाइस, हमको कैसे भी करके अपने सिस्टर को बचाना भी है एंड इस क्लाउन की भी वाट लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ गियर्स लगाने पड़ेंगे और आप लोग इसको पजल भी बोल सकते हो। वैसे गाइस, आपको पता है क्या कि ये क्यों करना पड़ता है? वो जो ट्रेन आ रही है जिसकी वजह से मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट होने वाला है, तो मुझे कैसे भी करके उस ट्रेन के डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो देखो यार, फाइनली मैंने पजल सॉल्व कर दिया और इस लीवर को ऑन कर दिया। अब ये देखो गाइस, यही तो चाहिए था यार। ये हो गई पटरी चेंज। मतलब गाइस, अब जो ट्रेन आने वाली है अब वो दूसरे पटरी से होकर निकल जाएगी। क्या बात है, और मेरी सिस्टर अभी सेफ है। वाओ गाइस, मतलब यार उसको सिस्टर को बचाते हुए देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से वो मुझे धमकी देकर गया है कि मैं तुमको रियलिटी वर्ल्ड में नहीं जाने दूंगा। तो देखते हैं गाइस, वो तो वक्त ही बताएगा। तो गाइस यार, इसको देखकर आप लोगों को क्या लगता है? सबसे पहला डिफरेंस तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और अगर आप लोग देखो तो ऊपर इसका हेल्थ है और उसमें कोई भी हेल्थ शो नहीं कर रहा था। बस उसको केज में बंद करना था और एक पैनल को खींचते ही वो मर जा रहा था। लेकिन गाइस, इसको ऐसे नहीं मार सकते। और देख रहे हो गाइस, वो अपना सामान फेंक कर मेरे को डैमेज भी दे रहे हैं। उसके आजू बाजू बहुत सारे सामान है जो हमको डैमेज दे रहे हैं। वेट, ये देखो यार, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि यार ये जितना चाहे उतने मॉन्स्टर को जगा सकता है एंड यार मेरे पीछे भी लगा सकता है। जैसे कि ये देखो यार, ये मॉन्स्टर्स ही मेरे को मारने के लिए काफी है। काफी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर्स हैं। वैसे गाइस यार, मैंने डेथ पार्क 2 का भी गेम प्ले अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हो। तो चलो गाइस, अभी वो फिलहाल इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहा है अभी है कहां पर, वो आके आ गया। वैसे गाइस, ये जो गन है, वेट, ये अचानक से कहां से आ गया था यार? सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। और गाइस, आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे कि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। यार गाइस, इतने सारे मॉन्स्टर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं एंड मेरे पास मेडिकेट नाम की कोई चीज ही नहीं है। यस गाइस, क्योंकि जो एक मेडिकेट पड़ा हुआ था वो मैंने यूज कर लिया था। अब मुझे कैसे भी करके इसी हेल्थ में इसको मारना होगा। रुक बच्चे, तेरे को हेडशॉट देता हूँ। और ये देखो गाइस, हेडशॉट लगते ही वो बंदा गायब हो गया। अब गायब होने के बाद तो पता ही भाई, वो मॉन्स्टर्स को जगाएगा ताकि मॉन्स्टर्स मेरे को आके मार दे। वेट करो, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो गाइस, फाइनली इन पिद्दियों से तो छुटकारा मिला। अब मुझे कैसे भी करके इस क्लाउन को भी मारना होगा। इस बार भी हेडशॉट मार सकता हूँ क्या? भाई यार, वो हमला भी कर रहा है, उससे बचना भी होगा मुझे कैसे भी करके। ओहो वाओ गाइस, ऐसा लगता है जैसे कि एक और गोली का बचा हुआ है बस। वेट गाइस, वेट, और मेरी भी हेल्थ बहुत ज्यादा ही कम है, तो देखते हैं कौन किसको मार पाता है। ओह वाओ, क्या बात है यार। तो गाइस, फाइनली मैंने इस क्लाउन को भी किल कर दिया। तो यार, अब आप लोग बताओ कि क्लाउन 1 ज्यादा डेंजरस था या फिर क्लाउन 2? वैसे गाइस, ये उसका भाई था। वैसे यार, हमको क्या लेना देना, हम तो अपनी सिस्टर को लेकर निकल चुके हैं और फाइनली इस पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ दो बच्चे बचे हुए हैं, एक तो मैं और एक मेरी सिस्टर। आई नो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, एक बच्चे ने पूरे शहर के मॉन्स्टर्स को किल कर दिया और साथ ही साथ सारे क्लाउन्स को भी किल कर दिया। इट इज इम्पॉसिबल, बट कोई बात नहीं गाइस, हम लोगों ने गुड एंडिंग किया। और अभी यार, मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो। आजकल लाइक बहुत ही कम मिल रहा है, तो प्लीज गाइस, रिक्वेस्ट है, लाइक करो वीडियो को एंड अगर चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे से अच्छे कमेंट्स भी करो। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे।